थान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, आप एक युवा नेता है, आपका पसपदरा के अंदर अच्छा खासा वर्चस्व है, क्या लग रहा सर? पसपदरा क्या पूरे राजस्थान में या फिर अपने लोग हैं, हर जगह पे है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। सब प्यार करते हैं हर जगह पे, बहुत सारा है। और लोकसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के हम साथ में है। हम उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ इसलिए है क्यों, हम लोगों ने साथ में पिछले 4 सालों में बहुत लड़ाया लड़ी और एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं, तो मेरा भी एक नैतिक धर्म बनता था और दूसरा पार्टी के गठबंधन के नाते भी मेरा धर्म बनता था कि भाई हम इंडिया गठबंधन के साथ में रहे और हमारे साथी उम्मीदवार राम जी के पक्ष में प्रसार करे, और इनके पास विजन है इसलिए भी जरूरी था इनका प्रसार करना भी। और सबसे बड़ी बात है, जब बजरी माफियाओं से मैं लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरा कोई साथ पे खड़ा नहीं था, उम्मीदवार राम खड़ा था। जब रिफाइनरी में लोगों की गाड़ियां बाहर निकाली जा रही थी तब हम और उम्मीदवार राम जी साथ में संघर्ष किया। बालोतरा कपड़ा उद्योग के लिए हमने साथ में संघर्ष किया, मजदूरों के लिए साथ में संघर्ष किया, प्रदूषित पानी के लिए हम लोगों ने साथ में लड़ाई लड़ी। ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जिनमें हम लोगों की एकदम एक राम लखन वाली जोड़ी रही थी। अब आगे भविष्य में क्या होता है वो भगवान को पता है, लेकिन वर्तमान समय में एक मानवता के नाते और बाड़मेर ट्रस्ट में बालोतरा के विजन के नाते हम उम्मीदवार राम जी के साथ में खड़े हैं, और एक युवा होने के नाते सही राह पे चलना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे लोग ऑफर लेके आते हैं, बहुत सारे लोग बातें भी करते, लेकिन मुझे रास्ता ये सही लगा। गांव गांव जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, यहाँ 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक साइड तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनमें यहाँ के हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने अपने लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं कराया जो लोगों के बीच में जाके गिना सके कि हाँ मैंने ये स्पेशली आपके लिए कुछ किया। और दूसरे नेता जी हैं जो बातें करते हैं, तूफान आऊं लागो, अरे भाई तूफान बिगाड़ करता है, तूफान से फायदा नहीं होता है। तूफान कभी नहीं चाहता किसान का बेटा, कभी नहीं चाहता दलित का बेटा, कभी नहीं चाहता मजदूर का बेटा कि तूफान आए। तूफान बिगाड़ करता है, तूफान कभी फायदा नहीं करता है। तो उनके पास खाली तूफान है, विजन नहीं है। जब विजन की बात करेंगे और जब अगर विजन की बात कर भी ले तो धरातल पे उन्होंने क्या किया वो बता देंगे। मैं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करनी है। वो लोग बोलते हैं मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। अरे भाई, आपके तो राजनीतिक शुरुआत भी यूनिवर्सिटी चुनाव में एक जाति विशेष को गाली देख के हुई है। आपने जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पे तब आपने सर्वप्रथम एक हॉस्टल के आगे खड़े रहकर एक जाति विशेष को गाली दी थी, तो आप कतई ये बात नहीं कर सकते, आपके मुंह से ये बातें कतई शोभा नहीं देती कि हम लोग किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। अरे आप तो पूरी जात को नहीं बख्शते हो, थोड़ा धीरे बोलो। तो आप लोगों को ये बातें करने का कतई अधिकार नहीं। और उम्मीदवार राम बेनीवाल है, उनका मुख्य विजन है शिक्षा को बढ़ावा देना, किसानों का कर्ज माफ और स्थानीय लोगों को रोजगार, बालोतरा कपड़ा उद्योग को बढ़ाना, बाड़मेर ट्रस्ट में जो रेल लाइन परियोजना है इसका विकास करवाना, कैसे शुरू करवाई जाए, पानी का जो मीठे पानी की समस्या है इससे कैसे निस्तारण हो, बहुत सारे मुद्दों को लेकर उम्मीदवार राम जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम उम्मीदवार राम जी के साथ में। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं रविंद्र भाटी पर तंज कसे, लेकिन कल उनकी एक परसों उनकी जनसभा थी बाड़मेर के अंदर, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर। देखो, वो कांग्रेस पे लगाए, बीजेपी पे लगाए, आरएलपी पे लगाए, लेकिन उनको शायद वो 18 में चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी उस समय उस कैंपस के का सदस्य हुआ करता था, तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, वो बेबुनियाद। आपने कहा 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी कह रहे हैं 3 नहीं है, उम्मीदवार 2 ही है, वो सब उनके, ये भी टीम है उनकी। तो वो वैसे मान सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में फिलहाल 3 उम्मीदवार हैं, भली ये भी टीम उनकी होगी, वो बीजेपी वालों की होगी या फिर किसका क्या होगा, लेकिन मेरी नजर में आज के दिन में जो बाड़मेर जसपुर बालोतरा की जनता है वो जनता उम्मीदवार राम जी के साथ में है, और हम लोग उम्मीदवार राम जी के साथ में आए तो इसीलिए आए कि ये लोग कुछ नया करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा कायम करना चाहते हैं। उम्मीदवार राम कितने शालीन आदमी है, कितने साधारण तरीके से रहते हैं, तो इन लोगों का साथ देना चाहिए। और हम लोगों के पास भी बहुत सारे अलग अलग ऑफर आते हैं, तुम ये कर दो ये कर दो, नहीं। मैंने कहा मानवता सबसे बड़ी है, अगर मानवता के नाते मुझे कोई कहेगा तो मैं तो साथ में रहूंगा। मैंने तो शुरू से लड़ाई लड़ी तब मेरे पास बहुत सारे ऑफर आते थे, मैंने कतई मेरे लोगों के साथ धोखा नहीं किया, हम लोगों ने कतई ये ना सोचा कि हमारा फायदा हो। अगर मैं मेरा फायदा सोचता
या मेरे बारे में कहीं विचार करता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ सिस्टम बिठा देता, लेकिन नहीं, हनुमान बेनीवाल साहब के साथ में मजबूती से लड़ाइयां लड़ी, चाहे बजरी का आंदोलन, चाहे किसानों का आंदोलन। मुझे गर्व होता है कि मैं उस आंदोलन का सदस्य हूँ जिसपे किसानों ने सादात दी थी, किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। ये थान सिंह डोली सड़क पे बैठा रहा था, कड़कड़ाती ठंड थी, ऊपर से हमारे टेंट जो थे वो ऊपर बर्फ जमती थी और टपकते थे, पानी अंदर टपकता था और बहुत भयंकर तरीके से बीमार था। लेकिन मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे पिताजी खेती करते हैं तो उनके लिए, उनके आने वाले समय में उनकी खेती को बसाने के लिए दिल्ली का जो अपना बॉर्डर था उस बॉर्डर पे धरने पे बैठा था। मैं बहुत तरीके भयंकर तरीके से बीमार था, लेकिन सपना था कि मैं किसानों के लिए कुछ बोलूंगा। जब मैंने किसानों के लिए वहां से संबोधित किया तो मैंने एक चीज उस दिन मेरे लोगों को कहा था कि हाँ, आने वाले समय में हम लोग आराम से कह सकेंगे कि मैं उस आंदोलन का सदस्य हूँ जिस समय किसान तकलीफ में थे और मैं किसानों के साथ खड़ा था। तो भैया, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मैं मेरे लोगों से भी अपील करूंगा कि भावनात्मक और रील्स की राजनीति से ऊपर उठकर आप रियल राजनीति में, रियल क्या है आपके लिए फायदा, उसमें साथ आए और आगे बढ़े। तो थान सिंह जी, आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़े हुए हो, तो हनुमान जी कब आ रहे हैं बाड़मेर, बात हुई क्या? बहुत जल्द आपको बता देंगे। हनुमान का जब यहाँ पर रेला आएगा, किसान के बेटे आएंगे, तो निश्चित ही एक वन साइड पूरा का पूरा मामला हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर के लिए क्या किया। हनुमान बेनीवाल जी ने बाड़मेर के लिए बहुत कुछ किया। एक मिनट रुको। और हनुमान बेनीवाल जी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में जहाँ इनकी रैलियां हुई है, ये जो अभी जो बता रहे हैं उनसे कई हजारों गुणा रैली हुई थी। ये आगे आप यहाँ से जाएंगे, एक आगे ग्राउंड है, वहाँ पे किसान उकार रैली हुई थी। तीन दिन तक गाड़ियां चली थी, ऐसा 3 दिन तक गाड़ियां, लेकिन उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया कि मेरे साथ ये है वो है, कुछ नहीं। जनता साथ होती है अपनी मुद्दों को लेकर, जनता साथ होती है रियल कामों को लेकर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा हनुमान जी का कि भाई मेरे अंदर घमंड है, वो है। उन्होंने हमेशा गरीब को गणेश मानकर सेवा की है, और मैं इसलिए हनुमान बेनीवाल साहब के साथ हूँ। जब जुड़ा तब भी मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और आज उम्मीदवार राम जी के साथ हूँ तो भी बहुत सारे आरोप लग रहे कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, मानवता भी तो होती है, मानवता के नाते उम्मीदवार राम जी के साथ है और मजबूती से साथ है, और उम्मीदवार राम बेनीवाल डंके की शॉट से बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर को फतेह करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।